नमस्कार दोस्तों अपने जो सरजी हैं दिल्ली वाले उनकी खुशी मेरे ख्याल में नौ दिन की ही रही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि साहब जो एलजी का और दिल्ली सरकार का विवाद चलता रहता है उसमें ये कहा कि जो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग है उसका अधिकार तो जनता की जो चुनी हुई सरकार है उसके पास रहना चाहिए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा सरजी ने 24 घंटे में ही निन्यानवे अधिकारियों के ट्रांसफर कर डाले इसको भी बदल दूंगा इसको भी बदल दूंगा सारे घर के बदल दूंगा और फिर कहने लगे कि एलजी साहब से कि तुरंत मैंने किया है इसलिए तुरंत साइन करके आप भेजिए मेरे पास जो काम अभी पूर्ण रूप से लागू भी नहीं हुआ जो चीज जो आदेश अभी आप तक पहुँचा भी नहीं है जिसकी प्रति अभी शायद आपको ऑफिशियली रिसीव भी नहीं होगी उसके आने से पहले ही इतना उत्साह अधिकारियों के तबादले करने के लिए इतना जबरदस्त जोश अब इन अधिकारियों की अकल में ठिकाने लगा दूंगा इनको ये कर दूंगा इनको वो कर दूंगा अधिकारियों में दहशत का माहौल दिल्ली के अधिकारियों को लगा कि यार ये तो जिसे कहते हैं ना कि वो गंजे के हाथ में कंगी लग गई और ये तो अब पता नहीं क्या कर डालेगा या जिसे कहते हैं ना कि वो चूहे के हाथ में वो लग गई थी वो पंसारी समझने लगा था अपने आप तो यही हालत अरविंद केजरीवाल की हो गई थी पगला गए थे अरविंद केजरीवाल के सारे जितने भी मंत्री थे वो लग पड़े थे कि यार हम इसका भी तबादला कर देंगे इस अधिकारी को वहाँ बैठा देंगे इसको हटा देंगे इसने शराब घोटाले में हमारी मदद नहीं की इसका ये कर देंगे इसका वो कर देंगे और टोटल अखबारों में खबर छपी के निन्यानवे अधिकारियों को बदल डाला था मेरे ख्याल में चौबीस घंटे के अंदर ही अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे लेकिन फाइलें सभी एल के पास रुकी हुई थी उपराज्य के पाल पाल के रात रुकी हुई थी कल दोपहर में इनके कुछ नेता वहां पर पहुंच गए साहब आप हमारी फाइलें नहीं दे रहे हमने फलागा तबादला किया फरागा तबादला किया और उसी समय दोपहर बाद ही खबरें शुरू हो गई थी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने जा रही है और उस फैसले को पलटने जा रही है और देर शाम तक वही हो गया सरकार ने कहा कि साहब इस तरीके से अधिकारियों की जो पोस्टिंग है अगर हम इनके हाथ में दे, दे देंगे तो यहां बवाल हो जाएगा ये केंद्र शासित राज्य है राष्ट्रीय राजधानी है यहाँ पर किस अधिकारी की पोस्टिंग कैसे करनी है किससे क्या काम लेना है इसको इसकी अगर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि से राय नहीं ली जाएगी एलजी से राय नहीं ली जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा ये अध्यादेश लाई सरकार और इस पूरे को पलट कर रख दिया एक तरीके से केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को निष्प्रभावी कर दिया इसमें दिल्ली सरकार की दिल्ली सरकार को अफसरों के ट्रांसफर कोर्ट सिंह का अधिकार मिला था आपको बताइए 11 मई को सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया था और कहा था कि पब्लिक पुलिस और लैंड यानी जमीन को छोड़कर अन्य मामलों में प्रशासन पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होना चाहिए देश की सबसे बड़ी अदालत से मिले अधिकार के बाद अरविंद केजरीवाल खुशी मना रहे थे फटाफट फैसले ले रहे थे लेकिन एलजी से मंजूरी लंबित होने की वजह से इन्हें लागू नहीं किया जा सका था फाइलें गवर्नमेंट ऑफ एन ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 इसको नाम दिया गया है इसके जरिए केंद्र सरकार ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी जिसको एनसीसीएसए कहा जाएगा उसका गठन कर दिया है राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग और सेवा से जुड़े फैसले अब एन के माध्यम से होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अथॉरिटी के मुखिया होंगे लेकिन फैसला बहुमत से होगा एन में दिल्ली के सीएम के अलावा मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह सदस्य होंगे किसी भी विवाद की स्थिति में एलजी का फैसला अंतिम होगा ये इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है केंद्र के अधीन विषयों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में अथॉरिटी ग्रुप ए और दिल्ली में सवा दे रहे सेवाएं दे रहे डेनिक्स यानी कि डी ए एन आई सी एस यानी कि जो दिल्ली अंडमान निकोबार और ये जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं इनके जो अधिकारियों को कैडर कहा जाता है उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की जो सिफारिश है वो करेगी ये और इस पर अंतिम मोहर एलजी ही लगाएंगे इसका मतलब ये है कि अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास वह अधिकार नहीं रह गया जो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें नौ दिन पहले मिला था वैसे अध्यादेश को छः महीने में संसद से पास कराना होता है इसके बाद ही ये कानून बनता है लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें नरेंद्र मोदी को कोई दिक्कत होने वाली है अब ये तो बिखर गए हैं आज आम आदमी पार्टी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी आतिशी मार लोना वो आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए संवैधानिक है ये है वो है है सारी कहानियां शुरू हो गई उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि राष्ट्रीय राजधानी का, का दिलचस्पी रखता है यह राष्ट्रीय हित में है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के जरिए पूरे देश के लोगों की कुछ भूमिका राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन में हो देखिए इसमें यह जो बात कही गई है इसी की तर्ज पर और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो बात कही थी उसमें यह कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से संसद के जरिए प्रतिबिंबित पूरे देश की लोकतांत्रिक इच्छा का संतुलन होना चाहिए उसी की काट केंद्र सरकार ने निकाल ली है वैसे मैं बताऊं कि कल अरविंद केजरीवाल ने से लेकर ट्वीट करने शुरू कर दिए थे उन्होंने आशंका जताई थी कि केंद्र सरकार अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है सेवा सचिव बदले जाने के बाद का जो आदेश था इन्होंने सेवा सचिव को बदल दिया था एल से जल्द से हस्ताक्षर करने की उन्होंने अपील की थी और कहा था कि आप फटाफट हमारी वो फाइल दे दें बड़े उतावले थे अपने चार पांच लोगों को गोपाल राय वगैरह को इन सबको भेज दिया वहाँ के जाओ कैलाश गहलोत वगैरह को लेकिन वहाँ इनको एंट्री भी नहीं एलजी ने उन्हें दी और केजरीवाल ने ट्वीट किया इस भी, इस बीच कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं दो दिन से सर्विसेज सेकटरी सेक्रेटरी की जो फाइल साइन की उसको क्यों नहीं किया आपने फॉरवर्ड और इसके केंद्र उन्होंने कहा कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ्ते ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने वाली है ये कल शाम ट्वीट कर रहे थे केजरीवाल और उनके ट्वीट करते ही ये सारा का सारा मामला हो गया और सरकार ये ऑर्डिनेंस ले आई देखिए दोस्तों ये तो टेक्निकल मामला है कौन सही है कौन गलत है ये सब चीजें तो चलती रहेगी लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक चीज स्पष्ट कर दी किरण रिजू जो निवर्तमान कानून मंत्री थे तो वो अक्सर कहा करते थे देखिए संसद और जो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक इंस्टीट्यूशन है सांसद और संसद से ऊपर इस देश में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जनता संसद को बनाती है संसद के जनप्रतिनिधियों को चुनती है और उसकी चुनी हुई सरकार यहां पर काम करती है और अगर आप ये चाहते हैं कि साहब सरकार के फैसले से ऊपर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी और हो जाए वो नहीं हो सकता उनका काम है कानून लागू करना और हमारा काम है कानून बनाना पार्लियामेंट कानून बनाती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का काम है उसे उसी तरह से लागू किया जाए तो किरण रिजिजू जो बात तो गलत नहीं कहते थे तो उनका कहना था कि साहब जनता के सामने तो जनप्रतिनिधि जाता है हमें फेस करना पड़ता है जनता के जो एस्पिरेशन्स हैं उनकी जो हमारे से जो आशाएं हैं उनको पूरा करना हमारा काम है और अगर हमारी ही नहीं चलेगी हमारे से ऊपर सुप्रीम कोर्ट की या किसी और की चलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा और नरेंद्र मोदी ने यह करके दिखा दिया उन्होंने एक बड़ा ही सख्त डिसीजन ये लिया और जो ये नया प्राधिकरण बनाने का फैसला किया गया है इसमें बहुत सारी चीज़ें खत्म हो गई बहुत सारे विवाद जो लंबे समय से चले आते थे कि साहब दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है उसके अधिकार क्या हैं किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी उसमें साफ कर दिया कि भाई प्रशासनिक फैसले दिल्ली में कम से कम आप दिल्ली दिल्ली में दिल्ली की सरकार नहीं लेगी केंद्र सरकार की सहमति के बिना उसमें कुछ नहीं हो सकेगा ये एक बड़ा बदलाव है लोग कह रहे थे कि किरण रिजिजू को हटाकर मोदी बैकफुट पर चले गए हैं लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह दिखा दिया कि अगर मौका पड़े तो वो कुछ भी करने तक किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर जनहित का कोई मामला हो तो देखते हैं इस मामले में क्या आगे और राजनीति होती है भला बेहाल माहौल तो गरमाया हुआ है कांग्रेस ही ट्वीट कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी ट्वीट कर रहे हैं बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं लेकिन अब इसमें नरेंद्र मोदी ने यह दिखा दिया है कि जनता की चुनी हुई संसद सर्वोपरि है और उस सर्वोपरि संसद के वो नेता हैं और वो जनता के हित में जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं उनका वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं देखते हैं इस प्रकरण में आगे क्या होता है आप जुड़े रहिए मेरे साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिएगा वरना मेरे लाइव आने का आपको पता नहीं लगेगा फिर मिलता हूँ आपसे नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें